good students today we will start our class third book let's discover in our class we already read lesson 1 the name of the lesson is red sloppy lips we already discussed the story of this chapter now we will do word meaning first is dingy dingy means dark and dirty विक्टर जिस हाउस में गया था अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए वो हाउस कैसा था डिंगी डिंगी मीन्स डार्क एंड डर्टी नेक्स्ट इज़ पोर्च पोर्च मीन्स एंट्री एरिया जहाँ से हम हाउस में एंट्र करते हैं पोर्च मीन्स एंट्री एरिया लुक एट द पिक्चर यू कैन सी पोर्च पोर्च मीन्स एंट्री एरिया नेक्स्ट इज अबेंडेंड अबेंडेंड मीन्स नो लोंगर यूज जिसका काफ़ी समय तक यूज़ नहीं किया गया लुक एट द पिक्चर Uh, जो हाउस था विक्टर जिस हाउस में गया था वो भी कैसा था बहुत दिनों से वो यूज़ नहीं किया गया था अबेंडेंट था मीन्स नो लोंगर यूज़ नेक्स्ट इज स्लोपिटी स्लोपिटी मीन्स लूज एंड शेपलेस जो मॉन्स्टर था उसके जो लिप्स थे वो कैसे थे ढीले ढाले थे विदाउट शेप थे तो स्लोप्टी मीन्स लूज एंड शेपलेस नेक्स्ट इज़ फेंगस फेंगस मीन्स टू लॉन्ग शार्प टिथ एट द फ्रंट फ्रंट के जो आगे के जो दो दांत थे वो कैसे थे लंबे थे और शार्प थे जो मोन्स्टर उसके भी कैसे थे लंबे और शार्प थे नेक्स्ट इज पैनिकड पैनिक्ड मीन्स बी अफ्रेड मतलब डर जाना जो विक्टर था मोन्स्टर को देख के क्या हो गया था पैनिक हो गया था सो स्टूडेंट दीज आर योर वर्ड मीनिंग ऑफ लेसन वन यू हैव टू लर्न दीज वर्ड मीनिंग थैंक यू हैव अ